गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पहला पाठ सूरज कविता से शुरू कर रहे हैं। इसको कविता का नाम है सूरज। मैं कविता की एक एक पंक्तियों को बोलते जाऊंगी और आप मेरे बाद उन पंक्तियों को दोहराएंगे। सबसे पहले है, पूरब का दरवाजा खोल, धीरे धीरे सूरज गोल, लाल रंग बिखराता है, ऐसे सूरज आता है। गाती हैं चिड़ियां सारी, खिलती हैं कलियां प्यारी, दिन सीढ़ी पर चढ़ता है, ऐसे सूरज बढ़ता है। लगते हैं कामों में सब, सुस्ती कहीं न रहती तब, धरती गगन दमकता है, ऐसे तेज चमकता है। गर्मी कम हो जाती है, धूप थकी सी आती है, सूरज आगे चलता है, ऐसे सूरज ढलता है। कवि का नाम है श्री प्रसाद। कविता में सूरज के बारे में कहा गया है कि सूरज किस तरह से पूरब से उगता है और चारों तरफ उजाला कर देता है। उगने के बाद, सूरज के उगने के बाद चिड़िया गाना गाने लगती हैं और दिन होने लगता है, धूप कड़ी होने लगती है और लोग सुस्ती छोड़ करके अपने कामों में लग जाते हैं। बहुत गर्मी तेज हो जाती है और शाम का समय होते होते जो गर्मी होती है वो कम होने लगती है, धूप जो होता है वो कम हो जाता है, जिसे लगता है मानो थक गया हो धूप, और शाम फिर अंधेरे में बदल जाता है। इस कविता में इसका वर्णन किया गया है कि सूरज किस तरह से उगता है और किस तरह से ढलता है। इस कविता को अपने कॉपी में उच्चस्वर उच्चारण के साथ बोल बोल करके लिखना है। एक एक पंक्तियों को उच्चारण के साथ आप लोग बोलेंगे और उसको दोहरा दोहरा के अपने कॉपी में लिखेंगे। बार बार बोल बोल के लिखने से आपकी वर्तनी भी सही होगी और उच्चारण भी शुद्ध होगा। उसके बाद अभ्यास करेंगे। अभ्यास में सबसे पहले है शब्द अर्थ। सबसे पहले है शब्द अर्थ, इसको भी अपने कॉपी में लिखना है। सबसे पहला शब्द है पूरब, यानी कि पूर्व दिशा। फिर बिखराता यानी फैलाता। फिर धरती जमीन। फिर है गगन आसमान। दमकता चमकता। ढलना छिपना। इसके बाद है श्रुति लेख। ये कविता में आए कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं। इन कठिन शब्दों को अपने कॉपी में कम से कम 5-5 बार आप शुद्ध उच्चारण के साथ लिखेंगे, जिससे कि आपकी वर्तनी ठीक हो जाएगी। सबसे पहला शब्द है पूरब, दरवाजा, चिड़िया, कलिया, सीढ़ी, सुस्ती। इन सभी शब्दों के अलावा भी अगर कोई कठिन शब्द लगता है आपको, तो आप उन शब्दों को अपने कॉपी में लिख सकते हैं। बार बार दोहरा करके 5 बार शुद्ध उच्चारण के साथ लिख सकते हैं। कविता के प्रश्न उत्तर को नहीं करना है, मौखिक और लिखित जो प्रश्न उत्तर है इनको अपने कॉपी में नहीं करना है। फिर है शब्दों में उत्तर लिखो। इसे अपने कॉपी में आप लोगों को लिखना है। आप पहले अपने किताब में इन प्रश्नों का उत्तर लिख लेंगे, उसके बाद उसको कॉपी में उतारेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, सुबह सूरज का रंग कैसा होता है? लाल। सूरज निकलने पे कौन गाती है? चिड़िया। काम में लगे रहने से क्या दूर हो जाती है? सुस्ती। सूरज ढलते समय धूप कैसी लगती है? थकी सी। सूरज ढलने का क्या मतलब है? सूरज ढलने का मतलब है सूरज का छिप जाना। इसके बाद है कविता की पंक्तियां पूरी करो। कविता की पंक्तियां जैसे, गाती हैं चिड़ियां सारी, खिलती हैं, गाती हैं चिड़ियां सारी, उसके बाद है खिलती हैं कलियां प्यारी। फिर दिन सीढ़ी पर चढ़ता है, ऐसे सूरज बढ़ता है। उसके बाद है सोच कर बताओ, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? सही बात पे आप इसमें ये एक चित्र दिया हुआ है, इसकी जगह पे आप सही का चिन्ह लगाओ। सही बात पे सही का चिन्ह लगाना है आपको।
सबसे पहला बात है कलियां खिल जाती हैं। हाँ, सूरज निकलने पर कलियां खिल जाती हैं, सही का चिन्ह लगाना है। नए दिन की शुरुआत होती है, एकदम नए दिन की शुरुआत होती है सूरज निकलने पे, इसमें भी सही का चिन्ह लगाना है। चिड़िया गाती हैं, हाँ चिड़िया गाती हैं, इसमें भी सही का चिन्ह लगाना है। चारों ओर अंधेरा हो जाता है, नहीं उजाला हो जाता है सूरज निकलने पर, चारों तरफ उजाला हो जाता है, अंधेरा नहीं होता है। चिड़िया दाना ढूंढने लगती हैं, हाँ चिड़िया दाना ढूंढने लगती हैं, क्योंकि सभी लोग सूरज उगने के बाद चिड़िया गाना भी गाती हैं और सभी अपने अपने कामों में लगते हैं, तो चिड़िया का काम एक दाना ढूंढना भी है, इसलिए वो दाना भी ढूंढने लगती है। कविता में गाना गाती है दिया हुआ, वो भी सही है, वो सही है, और दाना ढूंढती ये भी सही होगा, क्योंकि इस कविता में ये भी दिया है कि सभी कामों में लग जाते हैं, सुस्ती छोड़ करके कामों में लग जाते हैं, सब काम में लग जाते हैं, हाँ सभी कामों में लग जाते हैं, सही बात है। फिर एक जैसे आवाज वाले शब्द लिखो, एक जैसे आवाज वाले शब्द लिखो, जैसे खोल का गोल, सारी उसके बाद प्यारी, चलता ढलता, तब तब, दमकता चमकता, जाती आती। फिर उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो, जैसे धीरे धीरे यानी कि तेज तेज या जल्दी जल्दी, दोनों ही लिख सकते हैं हम, चढ़ता ढलता या उतरता, दोनों ही शब्द इसमें लिख सकते हैं, सुस्ती चुस्ती, आगे पीछे, इसको अपने कॉपी में लिखना है। बच्चों कुछ करने के लिए भी दिया हुआ है, इसको आप खुद से भी लिख सकते हैं, जैसे इस दिशा में, इस दिशा से सूर्य निकलता, किस दिशा से सूर्य निकलता बच्चों, पूर्व दिशा से, और इस दिशा से सूर्य छिपता है, किस दिशा से, पश्चिम, इस दिशा में हिमालय पर्वत है, किस दिशा में है, उत्तर में, और कन्याकुमारी दक्षिण, आप ये लिख सकते हैं। और आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि हमारे देश में कहाँ हिमालय पर्वत है, कहाँ कन्याकुमारी है, सूर्य किस दिशा में निकलता है, किस दिशा में छिपता है, इसकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। फिर है सुबह उठना क्यों अच्छा होता है, बच्चों इसको आप अपने मन से लिखोगे, कम से कम 5 लाइन लिखना कि सुबह उठना क्यों जरूरी होता है। मैं ऐसी चर्चा कर देती हूँ, मैं ऐसे बता दे रही हूँ आपको, पर आपको लिखना स्वयं है। सुबह उठना इसलिए अच्छा होता है कि इससे हमारी बुद्धि तेज होती है, हमारे अंदर की जो सुस्ती होती है वो दूर हो जाती है, हम चुस्त हो जाते हैं, आगे बढ़ना सीखते हैं जीवन में, और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अगर हम सही समय से जागेंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, हम निरोग रहेंगे, हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी। और आज का जो समय है बच्चों, आप लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और सही तरीके से रहना चाहिए, जिससे कि आप स्वस्थ रह सके। बच्चों मैंने नीचे पेपर में लिख दिया है सभी प्रश्नों के उत्तर को, आप इन प्रश्नों के उत्तर को इस पेज से देख देख करके अपनी किताब में पहले लिख लेंगे, उसके बाद अपने कॉपी में लिखेंगे। जैसे पहला प्रश्न था एक शब्दों में उत्तर दो, जिसमें मैंने दे दिया है क ख ग घ अंग, ऐसे करके मैंने इसमें लिख दिया है, इसको देख करके आप अपने कॉपी में उतार लेंगे। इस पेज को यहाँ पे पॉज कर करके आप अपने कॉपी में इसको बुक में पहले लिख लेंगे, उसके बाद कॉपी में उतार लेंगे। फिर कविता की पंक्तियां पूरी करो, कविता दी हुई है, कविता की पंक्तियों को भी आप देख करके उतार लेंगे। फिर सोचो और बताओ, वाक्यों को अपने बुक में से देख करके लिख लेना। मैंने आपको पहले भी बोला है कि सारे अभ्यास को पहले अपने बुक में, अपनी किताब में पूरा लिख लेना है, उसके बाद उसको अपने कॉपी में उतारना है। तो यहाँ पे मैंने प्रश्न नहीं लिखा है, इस प्रश्न को अपनी किताब में से आप लोग देख लेंगे और देखने के बाद इस उत्तर को, सही और गलत के उत्तर को आप लिखेंगे अपने बुक में, उसके बाद बुक से अपने कॉपी में उतार लेंगे। उसके बाद है भाषा से, भाषा से पहला प्रश्न था एक जैसे आवाज वाले शब्द लिखो, यहाँ पे दे दिया है मैंने खोलो गोलो सारी प्यारी चलता ढलता सब तब दमकता चमकता आती जाती आती। उसके बाद उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो,
धीरे धीरे यानी कि तेज तेज या जल्दी जल्दी, चढ़ना ढलना या उतरना, सुस्ती चुस्ती आगे पीछे। बच्चों इसको आप पॉज कर करके देख देख करके पहले अपने बुक में लिख लोगे, और बुक में लिखने के बाद जिन प्रश्नों को मैंने जो नहीं लिखा है, जैसे कि ये वाला प्रश्न जिसमें सही और गलत का मैंने प्रश्न नहीं लिखा, सिर्फ सही और गलत का चिन्ह लगा है, इसको आप लोग अपने बुक से देख करके प्रश्नों को लिखेंगे, उसके बाद चिन्ह लगा लेंगे बुक में, उसका कॉपी में पूरा उतार लेंगे। फिर उसके बाद ये है, तो इन प्रश्नों को मैंने नहीं लिखा, इन प्रश्नों को आप खुद लिखेंगे। प्रश्नों के लिखने के बाद मैंने सिर्फ उत्तर लिखा है, आप उस उत्तर को देख करके इसमें नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद आप किताब से इसको पूरा उतार लेंगे अपने कॉपी में। और बच्चों जितने बार भी जो कुछ भी आप लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, प्रश्न उत्तर लिख रहे हैं, अभ्यास का जो भी भाग आप कर रहे हैं, उन सभी को आप शुद्ध उच्चारण के साथ बोल बोल करके लिखेंगे।